भाई मारुति ने नई स्विफ्ट तो लॉन्च कर दी, मगर मुझे ये नहीं समझ में आता ये डाउनग्रेड क्यों करते हैं हमेशा। सर चकरा जाता है भाई इनके चक्रों में। स्विफ्ट के अंदर ना अच्छा खासा इंजन आता था, 4 सिलेंडर वाला। भाई साहब इन्होंने अब 3 सिलेंडर कर दिया, और ये खबर सुन के ना चंपक चाचा भी तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गया बेचारा ये खबर सुनकर। और अब इस गाड़ी में 1200 cc का 3 सिलेंडर इंजन आता है, मतलब अकेला टाटा ही नहीं रहा 3 सिलेंडर इंजन यूज करने वाला। मतलब ये मारुति स्विफ्ट जो टॉप सेलिंग की लिस्ट में आती है उसमें भी अब 3 सिलेंडर इंजन आ रहा है। और प्राइस अब 6.5 लाख से शुरू है ये गाड़ी, प्राइस में भी इंक्रीज हुआ है क्योंकि इसके साथ के टक्कर की जो गाड़ियां है ना जैसे टियागो और आई10 वो भी इससे 50-60 हजार रुपए सस्ती है। आई10 ही रह गई जो 4 सिलेंडर के साथ आती है। वैसे तो मारुति काफी रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन भाई 3 सिलेंडर इंजन में वाइब्रेशन आती ही आती है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी भाई इसकी कम है, 163 mm अनलेडन। भाई बंदे बैठने के बाद और नीचे दब जाती है ये गाड़ी। और आजकल तो लोग भाई साहब ऊंची गाड़ी लेने लगे हैं। वैसे तो सेफ्टी फीचर्स इसमें ABS, EBD, 6 एयरबैग्स और साथ में भाई साहब आपको ESP वगैरह के फीचर्स दिख जाते हैं। और जो पहले 855 kg वजन होता था उसका 920 किलो इस गाड़ी का बना दिया गया है। मतलब शायद चमत्कार हो सकता है कि ये गाड़ी 4 स्टार लेके आ जाए जैसे JN कैप में ले आई थी। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। गाड़ी के इंटीरियर भी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है भाई, आप अपने आप देख सकते हो कि अब थोड़ी अप मार्केट फील होने लगी है गाड़ी। साथ साथ वाइट टोन जब से दिया ना तो खुली और लग रही है गाड़ी। अब आज ये गाड़ी भाई लॉन्च हो चुकी है और आप देख सकते हो भाई इसके जो लुक्स है ना वो बहुत ज़्यादा सुधार दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है अब गाड़ी। और मैं तो कहूँगा भाई मिनी कूपर से इंस्पायर है गाड़ी। बाकी जो स्विफ्ट है भाई उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बिका करती है गाड़ी। अगर इसमें सेफ्टी आ जाती है तब तो भाई बहुत बढ़िया बात है। वैसे 3 सिलेंडर जो इसमें इंजन आया है वो भी मुझे लगता है वजन बढ़ाने की वजह से ये माइलेज नहीं घटाना चाहते थे। पहले जो 20-21 की क्लेम थी भाई साहब अब 24-25 की हो चुकी है इसकी। बाकी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी आप मुझे राय दे देना इस गाड़ी के बारे में कमेंट्स में।